तो यार भाई लोग, फाइनली भाई नोकिया हमारे इंडिया में अपना एक और नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यार जो स्मार्टफोन हमारे इंडिया में मार्च की स्टार्टिंग में या फिर मार्च के मिड में ही देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला भाई नोकिया G21 4G। अब बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो बताया जा रहा है कि आपको 15,000 रुपए के अंदर के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड जो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है वो काफी हद तक इंप्रेसिव देखने को मिल सकती है। लेकिन सच में क्या आपको परफॉर्मेंस इंप्रेसिव देखने को मिलती है और क्या स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि भाई नोकिया की इमेज अभी काफी ज्यादा खराब चल रही है भाई स्मार्टफोन के मामले में। नोकिया कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो भाई वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होता ही नहीं है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई नोकिया G21 4G स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल के आता भी है या नहीं। तो इसलिए अपन बात करने वाले भाई नोकिया G21 4G इस स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानेंगे कि भाई ये फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है, जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है, हीटिंग वाला कोई इशू देखने को मिलता है नहीं, PUBG वाला फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स देखने को मिलती है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो इसी कारण से हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, बाकी चले टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखा नोकिया G21 4G जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाला है, जिसका प्राइस अंडर 15,000 रुपीस के अंडर में ही रहने वाला है। एंड इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन एंड जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े जस्टिफाई भी निकल के आते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन तो निकल के आता है कि भाई आखिर फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला। तो इसी कारण से भाई हम नोकिया G21 4G इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तो यार इस वीडियो को लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जान लेते हैं भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम इसे टेस्ट करने वाले PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक्स जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में। हाई जी आ गए ऐप आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिल जाता है स्मूथ और हाई। और वही बात करते हैं इस फोन के हाई ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में भी हाई एंड HD में भी आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में भी आप 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे भाई नोकिया G21 4G इस फोन के साथ में। तो ग्राफिक सेटिंग यहाँ पे आपको उतनी ज्यादा इंप्रेसिव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, मिनिमम यहाँ पे आपको 40 FPS का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ओनली 30 FPS अनलॉक देखने को मिलता है भाई बाय डिफॉल्ट में। लेकिन हाँ 30 FPS में आपको परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव देखने को मिलने वाली है, यहाँ आपको ना ही कोई मेजर लैग वाला इशू देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि भाई ये फोन लैग होता नहीं है, ये फोन लैग होता है, फ्रेम ड्रॉप भी करता है। बाकी जो भी और बात करते भाई स्मूथ हाई के गेम प्ले के बारे में, यानी कि 30 FPS के गेम प्ले के बारे में, 30 FPS के स्टेबिलिटी के बारे में, तो देखा अभी के टाइम के लिए अगर आपको 30 FPS में गेम प्ले करना पड़ रहा है तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि भाई 30 FPS में गेम प्ले करना बहुत ज्यादा मुश्किल सा बन जाता है, प्रॉपरली आप गेम प्ले कर भी नहीं पाते हो, एक डिसेंट एंड बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज आप इसे कह सकते हो। हालांकि जो फोन है वो TDMA रैंगल में प्रॉपरली 25 लेके 30 FPS को मेंटेन कर पाता है, इवन सैनिक के बूट कैंप में भी 25 लेके 30 FPS मेंटेन कर पाते हैं, बस एक आधी बार क्लोज कॉम्बैट में इसके जो FPS वो 20 FPS तक भी आ जाते हैं और क्लोज कॉम्बैट में आपको थोड़ा लैग भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 30 FPS की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा खास देखने को नहीं मिलेगी, एंड मैं कहूंगा कि भाई एक बिलो द एवरेज ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। लेकिन गाइस अच्छी बात है कि भाई इस फोन में आपको हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है, भाई यूजुअली 30 FPS में गेम प्ले करने के बाद में कोई स्मार्टफोन हीट भी नहीं होता है, ये भी फोन हीट नहीं होता भाई इवन एक घंटे की ऊपर की गेमिंग के बाद में भी। इस फोन का जो टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली भाई आपको नोकिया G21 4G इस फोन के साथ में। लेकिन वही बात करते कि भाई आखिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस बात करते भाई नोकिया G21 4G इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो यार अभी आप देख सकते भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का एक 90 Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले विद 180 के टच सैंपलिंग रेट के साथ में। जी हाँ गाइस आपको 90 Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता है, वो भी 180 के टच सैंपलिंग रेट के साथ में, लेकिन यहाँ आपको HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड भाई अभी के टाइम के लिए कम से कम यहाँ पे आपको FHD+ का डिस्प्ले तो कंपनी ने प्रोवाइड करके देना ही चाहिए था, क्योंकि भाई अभी के टाइम के लिए FHD+ डिस्प्ले एक मैंडेटरी सा डिस्प्ले बन जाता है। लेकिन फिर भी भाई आपको नोकिया एकदम HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड करके देता है, तो भाई डिस्प्ले के मामले में आपको डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है भाई डिस्प्ले की क्वालिटी के साथ में। LPDDR4X 5.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक
देखने को मिल जाएगा। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई यूनी एसएससी की तरफ से आने वाला भाई यूनी एसएससी T606। जी हां गाइस आपको यूनी एसएससी T606 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 12 NF बना हुआ चिपसेट है, डुअल 4GB चिपसेट है एंड भाई उतना पावरफुल चिपसेट बिल्कुल भी निकल के नहीं आता है। आपको डे टू डे लाइफ में नॉर्मल एंड डिसेंट गेमिंग में आपको ये फोन बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो डेफिनेटली आपको ये चिपसेट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। बाकी वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो बता दे रहे कि भाई ये फोन हमारे इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है भाई, 3GB 32GB, 4GB 64GB एंड भाई 4GB 128GB। एंड इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है कि 3GB 32GB वो रशिया में लॉन्च हुआ है लिटरली 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में, लेकिन हमारे इंडिया में बता दे रहे कि भाई ये फोन आपको 12,000 से 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। तो देखा 12,000 या फिर 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये फोन बिल्कुल भी जस्टिफाई स्मार्टफोन निकल के नहीं आता भाई, मैं तो इसे एकदम टट्टी स्मार्टफोन कहूंगा। क्योंकि 12,000 से 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको Infinix Note 11S देखने को मिलता है जिसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, MediaTek Helio G96 देखने को मिलता है और भाई ऊपर से परफॉर्मेंस भी काफी टॉप नॉच लड़की देखने को मिल जाती है। लेकिन वही आपको Nokia G21 4G में ओनली देखने को मिलता है HD+ डिस्प्ले, बॉक्स में ओनली 10W का ही चार्जर देखने को मिलता है एंड देखा जाए तो भाई आपको पूरे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई 12,000 या फिर 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से Nokia G21 4G स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल के नहीं आता है। अगर यही स्मार्टफोन हमारे इंडिया में 8,000 या फिर 9,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता तो ये स्मार्टफोन काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन सकता था। बट आपके क्या राय है भाई इस स्मार्टफोन को लेकर के मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग ये फोन हमारे इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होना चाहिए तब जाके आप इस फोन को कंसीडर करोगे, मुझे भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर आपको पोको F4 GT की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको रेडमी नोट 11 4G की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।